उत्तराखंड में इगास का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है दीपावली की तरह ही इस त्यौहार को उत्तराखंड में मनाते हैं इगास के साथ साथ इसको बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है आपको बता दें कि उत्तराखंड में दीपावली के ग्यारहवें दिन इगास का त्यौहार मनाया जाता है जब भगवान श्री राम बनवास से वापस लौटे थे तो सभी लोगों ने अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली मनाई थी यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण और दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं होने पर उत्तराखंड में भगवान श्री राम के लौटने की खबर ग्यारह दिन बाद पहुंची तभी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने दीपावली मनाई इसीलिए ईगास का त्यौहार ग्यारहवें दिन मनाया जाता है इस बार ईगास का त्यौहार 23 नवंबर को मनाया जाएगा और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट ये हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा, जो पुरानी परंपराओं का वो है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ये इगास कार्यक्रम हम लोगों ने अपने पूर्वजों से उसके बारे में सुना है और जो परंपराएं मत आजकल जो हमारे उसमें स्वीकृति है मान्यता है उस आधार पर हम लोग ये चाहते हैं कि इसको और आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग बताएं कि ये वास्तव में है क्या वास्तविकता ये है कि इगास जो है जो मेन मुख्य दीपावली है उसके ग्यारह दिन बाद ग्यारह दिन दस और एक ग्यारह इसलिए भी उसको इगास के रूप में कहा जाता है दो मत इसमें मान्यता में आए हैं पहला कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन से आए थे राज्याभिषेक हुआ था तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी उसमें यह हुआ कि उसकी सूचना राज्याभिषेक की सूचना पहाड़ में चूंकि उस समय दूरसंचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे